Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2,200 selections since 1999. This is a seven-minute current affairs series called To the Point. Zid se, Jeet tak. Hi, everyone.

टैग्स ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने सुना होगा कि यार बनारसी साड़ी है ना या फिर इसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है नागपुर ऑरेंज है ना इसके अलावा ये आपका उड़ीसा का रोशोगुला, राइट आपके पास में एन नंबर ऑफ टैग्स आर देयर बासमती चावल राइट कितनी सब कुछ चीजें अब बनारसी साड़ी को आप फगवाड़ा के अंदर तो नहीं बना सकते ट how, बी how uh, बनारसी साड़ी अगर वो बनारस में नहीं बनी राइट right? बनारसी साड़ी बनारस में ही बनेगी और पर्टिकुलर तरीके से पर्टिकुलर लोग ही बना सकते पर्टिकुलर एरिया के राइट right? इस पर्टिकुलर चीज को ये पर्टिकुलर चीज जो है पर्टिकुलर वर्ड बहुत बार हो गया वैसे ये चीज़ जो है उसको आपका हेल्प करती है ये उसको एनेबल करती है कि आपका जो नेम है आपका जो टैग है वो कोई और यूज नहीं कर सकता अब बनारसी साड़ी सिर्फ आपकी बनारस में ही बनेगी वहीं के कुछ ट्रेडर्स वहीं के कुछ लोग जो हैं इस चीज का नाम यूज कर सकते हैं कि ये हमारी बनारसी साड़ी है है ना जैसे इसके अलावा आपके पास में वो पश्मीना शॉल्स हैं कुल्लू शॉल्स हैं राइट there, राइट एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर जहां पर आप इस पर्टिकुलर चीज को यूज कर सकते हो इट इज कॉल्ड जी आई टैक्स क्या फॉर्म है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स अब एक बार एग्जाम्स वगैरह में ना ये पीसीएस वगैरह में डायरेक्टली आ जाता है तो ये ध्यान रखिए कि ये इंडिकेशन है ये आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो आई uh, थिंक उन्होंने यूपीआई वगैरह की फुल फॉर्म पूछ ली थी और वो बाकी ऑप्शंस इस तरीके से डालते हैं जो स्टेट एग्जाम वाले होते हैं कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज तो हो जाते हो तो जस्ट बी केयरफुल कि इट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस नॉट आइडेंटिफिकेशंस राइट तो ये क्या करते हैं आर दी साइंस यूज ऑन प्रोडक्ट दैट है स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन ठीक है वर्ड ज्योग्राफिकल डिस्टिंगटिव क्वालिटीज रेपुटेशन और करेक्टर टू दैट ओरिजिन, राइट और ये पीट इंटलेक्चुअल एंड प्रिवेंट अनऑथोराइज यूज ठीक है आईपी राइटिकली आई टैग इससे आपको समझने की जरूरत नहीं है बाकी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से यह सब चीजें याद रखनी जरूरी है

सब टू एंड टेन राइट ये आपको याद रखने, याद रखने तो right? की जरूरत नहीं है, इसको एक जीआई टैग मिला है राइट right? ये चीज आपने देखी होगी जरूर है ना तो इसको अब जी टैग मिल गया है ये पर्टिकुलर जगह पे ये कौन सी जगह है वो इट इज लिमिटेड टू वेस्ट गोदावरी इन दी गोदावरी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश ठीक है वो ऐसी मैच द फॉलोइंग में डाल सकते हैं आपको कि नारसपुर क्रोशे लेन लेस क्राफ्ट है ना ये कहां पे है तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको सवाल आ सकता है द वुमेन ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ दिस रीजन स्टार्टेड क्रिएटिंग हाईली अट्रैक्टिव आर्टिफेक्ट फ्रॉम कलरफुल लेस अबाउट वन फिफ्टी ईयर अगो ठीक है जी इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है बच्चे आपके यूके फ्रांस वगैरह में बहुत ज्यादा जो बेलकन कंट्रीज है वहां भी बहुत पॉपुलर है ये बेलकन कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है है ना और आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी ये काफी ज्यादा ये आर्ट जो पॉपुलर है यूएस, we'll ना माजुली के नाम से आपको पता लग गया होगा माजुली इज दईलैंड माजुली मास्क ऑफ असाम एंड माजुली मेन्यूस्क्रिप्ट माजुली मेन्यूस्क्रिप्ट भी है बच्चे दो चीजों को इकट्ठे मिला है यहाँ पे दिस इज कॉल्ड ये है आपकी माजुली मेन्यूस्क्रिप्ट

इसके अलावा जो दिस मास्क आर मेड फ्रॉम फ्रॉम्बू बेम्बू क्ले डंक एक्स्ट्रा मतलब एक्सेट्रा जितने सारे अभी आपके मटीरियल uh, हैं हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे इसके अलावा लेट अस सी दिस वन वी हैव माजुली पेंटिंग फॉर्म ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिक्सटीन सेंचुरी डन ऑन सांची पैट और मेन्यूस्क्रिप्ट मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सांची और अगर ट्री राइट इसके अलावा बच्चे ये इनकी स्क्रिप्ट्स हैं एक बार आप अगर ध्यान से देख लेंगे कि ये आपको हो सकता है कि uh, एग्जाम में पूछ लें ऐसा कुछ एलिमिनेट करने को आ जाए दीज पेंटिंग्स पर्टिकुलरली लॉर्ड कृष्णा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये आपका नियो वैश्विज्म में आता है और ये पर्टिकुलर ट्रेडिशन जो अर्लीस्ट स्टार्ट किया था दैट इज श्रीमंत शंकरदेव नेक्स्ट स्लाइड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो this 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number 1 weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024